सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर से एडवांस लेवल एडजस्टमेंट और उनके ट्रीटमेंट की। इस पूरी वीडियो में टोटल 10 एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट बताएंगे कि रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट में उसे कहां कब रिप्रेजेंट करना है। बट उससे पहले एक लाइन बताता हूं आपको, इस पूरे 10 एडजस्टमेंट में हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और गुडविल का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं इंक्लूड किया है। रीजन आप सबको पता है, पिछले 3 वीडियोस में हमने वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का एक वीडियो, गुडविल के सारे केसेस का एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है विद ऑल एडजस्टमेंट। तो उनको छोड़ने के बाद बाकी जो एडजस्टमेंट थोड़े से एडवांस लेवल के हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठिए, चलिए स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 से। देखो लिखा क्या गया है, जब मैं यहां पे किसी पर्टिकुलर एसेट्स का नेम ले रहा हूं, यहां पे कोई भी एसेट्स अवेलेबल हो सकती है। आपको ध्यान रखना आगे की लाइन पर, स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 54,000। अब एडजस्टमेंट में गिवन है कोई पर्टिकुलर स्टॉक या कोई पर्टिकुलर एसेट्स है वो अंडर वैल्यूड है, मतलब जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी उससे कम पे दिखाई गई है। एक बात दिमाग में रखो, सिंपल सी भाषा में अगर अंडर वैल्यूड बोले या फिर ओवर वैल्यूड बोले तो ऊपर की वैल्यू पे 100 रखना है, अंडर वैल्यूड बोले तो जितने परसेंट की बात हो रही है उसको रिड्यूस कर दो, ओवर वैल्यूड बोले तो जितने परसेंट की बात हो रही है उसको अपॉन में ऐड कर दो। लाइन क्लियर? सर इससे क्या होगा? सर इससे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता लग जाएगी, करके दिखाता हूँ। पहले एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टॉक अंडर वैल्यूड 10% से बुक वैल्यू 54,000, तो सर कितना वैल्यू कम है, क्या करेंगे 54,000 × 100/90, सर कितना आएगा? सर कैलकुलेटर आप लोग अलाउड है ना, फटाफट से चेक करिए। ओके, तो ये वैल्यू आ रही है आप लोग की 60,000 रुपीज़, फटाफट से आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, बुक वैल्यू है 54,000 जबकि अंडर वैल्यूड हो रहा है 10% से, मतलब साफ है 6,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, क्लियर है ना। मान लो आपके माइंड में आता सर एंट्री क्या होगी, तो 6,000 की वैल्यू यहाँ पर कम शो की गई है, और अगर आपके स्टॉक को कम दिखाया गया है तो आपको ऐसा पता लगा कि स्टॉक 6,000 रुपये के और हैं, आपके लिए बेनिफिट है रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। सर एंट्री क्या पास करेंगे? सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, चलिए इरेज करते हैं फिर बताते हैं। ओके, एंट्री होगी आपकी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सर वैल्यू कितनी मेंशन करनी है? 6,000। ओके सर कैसे हुआ, यहाँ पे हमने क्या करा था, हमने आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया, अगर आपके क्वेश्चन में अंडर वैल्यूड वर्ड यूज़ हुआ है तो अपॉन में जितना परसेंटेज है वो लेस होगा, ओवर वैल्यूड दिया है तो अपॉन में जितना परसेंटेज है वो ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ा, ऊपर तो सर 100 रखना क्योंकि मेन वैल्यू 100 है, 90 तो सर यहाँ पे क्या होगा 100/110, कन्फ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे बोलता है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, बुक वैल्यू है 66,000, क्या करेंगे सर 66,000 को रखेंगे इनटू 100/110, वैल्यू चार्ज करिए 66,000 × 100/110, तो सर ये वैल्यू आ रही है 60,000 की। मतलब क्या हुआ, स्टॉक है 66 का बट हमने लाइक ओवर वैल्यूड, तो हमने क्या करा यहाँ पे 60,000 रुपये दिखा रखा है, क्या फ़र्क होगा इससे, सिंपल सी भाषा में आपका 6,000 रुपये का होगा लॉस, है ना। तो जब लॉस होगा तो एंट्री क्या, इसी को रिवर्स कर दीजिए, मतलब एंट्री क्या निकल के आती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, सर कितने का लॉस है, 6,000 का लॉस है सर। आई होप ये भी क्लियर है। बात करते हैं थर्ड एडजस्टमेंट की, देखिए जरा, अ लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर 20,000 इज सेटल्ड एट 16,000। देखो एक एडजस्टमेंट और है इसमें, वो बोलता है अ क्रेडिटर लाइक, वहाँ पे क्रेडिटर में जो भी वैल्यू इंक्लूड होगी नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, ऐसा वर्ड लिख के देगा। अगर वो क्लेम नहीं कर रहा क्रेडिटर्स तो आपको पेमेंट नहीं करनी, अगर पेमेंट नहीं करनी सीधा सीधा बेनिफिट है, बेनिफिट है तो किधर दिखाना है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। सर इसकी बात कर लेते हैं, लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर फॉर 20,000 इज सेटल एट 16,000। जरा बताओ अगर 20,000 रुपये का क्लेम 16,000 रुपये सेटल हो गया तो 4,000 क्या बेनिफिट है, अगर प्रॉफिट है, लाइबिलिटी पे प्रॉफिट है, एसेट्स पर प्रॉफिट है, सारा का सारा प्रॉफिट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। सर एंट्री क्या होगी, सर आइए देखते हैं हमने क्या करा है, उसके अकॉर्डिंग मूव करिएगा। हमने क्रेडिटर को किया है पेमेंट, सर क्रेडिटर कितने के थे 20,000 के, पेमेंट कितना करा 16,000, सर प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ है 4,000 का। सर इस
इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? पेमेंट 16,000 को जब हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपने कैसे पढ़ा है मुझे नहीं पता, बट एडमिशन का क्वेश्चन विदाउट प्रिपेयरिंग बैंक अकाउंट बहुत गलत बात है, बिकॉज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक आएगा। इन जनरल क्या होता है ना, बहुत सारी फैकल्टीज करती हैं वो रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, और जब वो बैलेंस शीट बनाती है एसेट साइड में बैंक में, कहते हैं बेटा ब्रैकेट लगा के सारा प्लस माइनस गेम खेल दो। गलत तरीका है, आपको हमेशा बैंक अकाउंट मेंटेन करना ही होगा। यही बात हो जाकर रिटायरमेंट में सिखाते हैं, कहते नहीं आप एक काम करो बैंक अकाउंट बनाओ। तो ध्यान रखना, हमें एडमिशन से ये अप्रोच रखनी है, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैंक देन बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में 16,000 दिखा देंगे क्रेडिट साइड में, और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में कितना दिखाएंगे 4,000। चलिए जी आते हैं एक बड़े शानदार एडजस्टमेंट पे। अच्छा, जो मैंने बताया लाइकली टू बी क्लेम वो ध्यान रखना, ठीक है। फोर्थ नंबर, अ कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2016 ईयर पर निगाह दौड़ाइए, ₹40,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस। अच्छा, कौन सी एरर जरा कमेंट बताना, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अकॉर्डिंग, ठीक है। डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस, अकाउंट इज टू बी बॉट इन टू अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018। भला बताओ अकाउंटिंग कब होनी है, दो साल बाद, यूं कहें डेढ़ साल बाद, है ना। चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर सिर्फ 10% बोलेगा इम्पैक्ट अलग होगा, अगर 10% पर एनम बोलेगा तो ईयरली चार्ज होगा। डब्ल्यू डी बी मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे है, तो क्या करना है आइए देखते हैं। हम लिखना होगा कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे कोई भी एसेट्स हो सकती है, मैंने एक पर्टिकुलर नेम लिया सो दैट आप रिलेट कर पाओ, है ना। कॉस्ट ऑफ एसेट्स 40,000 की है, 40,000 लिखेंगे सर। लेस डेप्रिसिएशन फॉर, मैं शॉर्टकट यूज़ करूँ आप मत करिएगा, फॉर 6 मंथ, टाइम सेव करना चाह रहा हूँ आपका। 6 मंथ क्यों सर, 6 मंथ कहे लगा रहे हो सर, देखो जरा 2018 तक जाना है, 2016 से 2017 में जाओगे, मतलब बताना चाह रहा हूँ, 1 अप्रैल टू 31 मार्च लिख के बताता हूँ, देखो ओके। ये जो लाइक 31 मार्च 2018 है, ये कब से होगा, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, ये एक ईयर है। तो सर इसके पहले 1 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2017 कितने मंथ हुए, 6 मंथ हुए। तो भैया अगर कंप्यूटर आया है तो डेप्रिसिएशन उस पर भी तो लगना है ना, तो क्या करोगे, सिंपल लैंग्वेज पे जाना है, 40,000 का 10% निकालना है इनटू 6/12, ऑब्वियस सी बात है 2000 होगा, है ना। वैल्यू कितनी आ गई सर, 38,000 आ गई। सर अब क्या करना है सर, 2017 के फर्स्ट तक स्टार्ट के हमने फिनिश ऑफ कर लिया, अब अप्रैल टू मार्च ये ईयर भी देखना है, इस ईयर का निकालिए, फिर लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन फॉर होल ईयर, पूरे वर्ष के लिए निकालेंगे एट द रेट ऑफ 10%, तो कितना आएगा 3008 रिमेनिंग। सर डब्ल्यू डी वी लगाना है, रिमेनिंग एसेट्स पे लगाइए, ध्यान रखिएगा भाई साहब क्या बताएं, वैल्यू आ रही है 34,200। अच्छा सर इसको शो कहाँ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है यार, ये जो वैल्यू जानी है एसेट्स है तो किधर दिखाओगे, एसेट साइड में दिखानी पड़ी, है ना। चलो अगले पॉइंट की बात करेंगे, आउटसाइडर लोन शुड बी ट्रीटेड हिज कैपिटल। सर आउटसाइड से मतलब क्या है, मान लो ए बी पार्टनर है और लाइबिलिटी साइड में लिखा है सीज लोन, या एक्स वाई जेड पार्टनर है लाइबिलिटी साइड में लिखा है जेड लोन, तो वहाँ पे कंडीशन क्या बोली जा रही, आउटसाइडर लोन शुड बी ट्रीटेड एज हिज कैपिटल। जो आउटसाइडर लोन था उसको कैपिटल का ट्रीटमेंट मिलेगा, आओ दे देते हैं जेब से कोई लगना नहीं है। मान लो सी है तो क्या करना होगा हमें, सीज लोन है ना, तो लोन अकाउंट डेबिट टू क्या बनाना है, इसे कैपिटल बनाना है, कैपिटल अकाउंट। अब सर इसका प्रेजेंटेशन कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में तो जा नहीं सकता, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो ए बी पार्टनर थे, सी ने लोन दिया था उसको हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो सीज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाई सीज लोन जो पैसा था वो दिखा देंगे, और बैलेंस शीट में भी सी को एक फुल फ्लैग पार्टनर की जगह दे देंगे। चलो आखिरी एडजस्टमेंट की बात करते, आखिरी मतलब छठा, इसमें फिर चार और बता देना, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू, इस वर्ड पर ध्यान दो, एंड फर्नीचर बाई, इस वर्ड पर ध्यान दो, टू की हिंदी होती है तक, बाई की हिंदी होती है। अब बोले सर आप ये क्या पढ़ा रहे सर, कुछ इसमें सर वो सांस्कृतिक कार्यक्रम वाली फीलिंग आ रही, लो यार क्या फ़र्क पड़ता है, तक से है ना, वो कैसा कथक सिखाते तक से, तो तक में क्या करना है सर ध्यान रखो, टू वर्ड मिला तो लिख लो डिफरेंस, बाई वर्ड मिला तो लिख लो सेम, और यहाँ लिख लो अमाउंट। आसान शब्दों में अगर मान लो टू, ओके
25,000 का रहा होगा अगर स्टॉक, और बोलते हैं स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 20,000, मतलब 20,000 रुपये तक घटा है तक, तो क्या करना है, डिफरेंस अमाउंट लेना है। तो 25 में से 20 माइनस करो, कितने का लॉस, 5,000 का। आगे फर्नीचर बाई 15,000, बाई पे क्या करना है, सेम अमाउंट, मतलब कितने का लॉस, पूरा 15,000 का। आई होप ये क्लियर है, चलो मुझे कमेंट बताना है समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों को समझ आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सबने भर भर के कमेंट करें कि सर एडवांस वेल बनाओ, तो आपकी डिमांड पे क्लास आ गई है। मुझे कमेंट जरूर बताना कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज क्या होगा ना, किसी एक एडजस्टमेंट की वजह से क्वेश्चन रुकता है, आप सबको पता है। मेजॉरिटी चीज़ें आपको आ रही होती हैं, कोई एक लाइन ऐसी होती है जो कन्फ्यूज़ करती है, तो हम आप मिलकर उस लाइन को ही तो खत्म करने वाले हैं। चलो इसको आप नोट कर लो, इरेज करके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं एडजस्टमेंट नंबर 7 की। 7 नंबर पे हमने जो एडजस्टमेंट लिया है बहुत ही कमाल का है, इसको बहुत ध्यान से समझना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सबसे पहले लिखा गया है डेटर ऑफ 2000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट एंड अ प्रोविजन ऑफ 4% विल बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। इससे पहले दो कंडीशन है, एसेट साइड में डेटर हमने एज्यूम किया 34,000 का, और लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन हमने रखा है 4,000 का। सर ट्रीटमेंट बताने से पहले आपको ये समझा दूं, ये जो एडजस्टमेंट है हमारा ये बहुत ही कमाल का है। इसमें जो लाइन बोली गई है ना, प्रोविजन 4,000 का अवेलेबल है, 2,000 का हम राइट ऑफ कर रहे हैं, तो प्रोविजन में से जाना चाहिए। 34,000 का डेटर है, उस पर 4% का प्रोविजन निकालना है। आओ करके देखते हैं कैसे करना होगा हमें। हम सबसे पहले ये समझ लें कि 34,000 के हमारे पास डेटर अवेलेबल है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि प्रोविजन लगाओ भाई कितने का, 4% का। सर 34,000 का 4% वैल्यू आएगी 1,360, इससे ऐसा कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑलरेडी कितना अवेलेबल है। सर 4,000 का पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, 2,000 का हमने राइट ऑफ कर दिया, चलो तो कितने का हुआ सर, 2,000 का बचा। तो सर जो हमारे पास वैल्यू दिख रही है वो कितने रुपए की है, सर 640 की है। सर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, मैं आपको इंट्री वाइज बता, तो इसकी इंट्री अगर हम चेक करना चाहें, हमारे पास जो इंट्री निकली आई, सबसे पहली बात तो लाइबिलिटी क्रिएट है, तो लिखना पड़ेगा हमें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ठीक है ना, मैं बैड डेब्ट लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना, ठीक। अब सवाल ये सर कितने का एग्जिस्ट कर रहा था प्रोविजन, 4,000 का, कितना यूज हो गया, 2,000, तो डेटर में कितना बच रहा है, 2,000 तो लिखेंगे, टू डेटर्स 2,000। भाई यहाँ जो अमाउंट लिखना है ना वो यहाँ से जाएगा। सर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिटेबिलिटी कितने की शो हो रही है हमें, 640 रुपये, ऐड करके दिखा दो 2,640, ठीक बात है। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाने वाला है 640, वर्ड क्या यूज़ करेंगे, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब जब बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएंगे, ट्रीटमेंट बहुत साफ है, डेटा लिखना है 34,000 का, और आपको प्रोविजन लेस करना है 1,360 का, 640 का आपको बेनिफिट हो गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगले एडजस्टमेंट की, डेटर ओके अ डेटर ऑफ हुज ड्यूज रुपीज 5,000 वर राइट ऑफ एज बैड डेट पेड रुपीज 4,000 फुल सेटलमेंट। मतलब साफ, एक ज़माने में 5,000 डेटर थे जो हमने बैड डेट रिकॉर्ड कर लिए थे, बट इनसे हमें कितना मिल गया सर, 4,000 रुपये मिल गए। इट्स अ सिचुएशन ऑफ बैड डेट रिकवर, इसका बैलेंस शीट की एसेट्स मतलब एसेट साइड में डेटर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, बट हाँ इसकी इंट्री ज़रूर होगी। चलिए इसको पहले हटा देते हैं, सर इंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं। सेकेंड एडिशन नंबर 8, ओके एडिशन नंबर 8 की बड़ी सिंपल सी एंट्री है, आपको जाना होगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में, तो एंट्री बना लेंगे हम लोग बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है जी। वैल्यू कितनी है सर, 4,000 दिखाना है, बिकॉज रिकवर हमें कितना हुआ 4,000। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखना, जो बैड डेब्ट वैल्यू है ये लास्ट अटेम्प्ट की है, लास्ट ईयर की है, तो इसका कोई भी इम्पैक्ट बैलेंस शीट की एसेट्स के डेटर पर नहीं पड़ने वाला। चलो अब आते हैं सबसे स्पेशल एडजस्टमेंट पे, एडजस्ट नंबर 9 और 10, न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। एक ये केस है, दूसरा केस है एडजस्टेड द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सर इसका मतलब बताता हूँ, अब कैलकुलेटर का यूज़ तो नहीं है, समझाता हूँ देखो जरा। सबसे पहली बात, हम अगर एडजस्ट नंबर 10 को देखें तो एडजस्टेड द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स, मतलब यहाँ पे न्यू पार्टनर्स की कैपिटल आपके क्वेश्चन में
दी होगी। अब इसको देखो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, मतलब न्यू पार्टनर्स की कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दी होगी। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर, ये तो हमको सबसे पहले आता था। अच्छा आगे सुनो, फिर क्या करना होगा, हमें काम करना है, हमें निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म। सर क्या तरीका है, दोनों केस में अलग है। एडजस्ट अगर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है नए पार्टनर्स कैपिटल के बेस पे, तो टोटल कैपिटल निकालने का सिंपल सा तरीका, हम लिखेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रिवर्स हिज शेयर। सस्ता सा फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा, याद रहेगा आपको। मतलब क्या हुआ सर, अगर हमें टोटल कैपिटल निकालनी है, अज्यूम करो नया पार्टनर 60,000 रुपीज़ लेके आ रहा है कैपिटल, तो 60,000 लिखेंगे कैपिटल, गुडविल इंक्लूड नहीं होगी, इनटू रिवर्स शेयर, मान लो 1/5 के लिए आ रहा था, तो रिवर्स करने का क्या मतलब हुआ, 5/1 कितनी कैपिटल निकल के आई, 3,00,000 रुपये। अब क्या करना है, मान लो ये सी है, तो ए और बी की जो कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल है, उसको इसमें से कर दो लेस। सिंपल है, ये टोटल कैपिटल निकल के आई है ना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, ए बी की कैपिटल को जैसे आप लेस करोगे तो जो पैसा मिलेगा वो पैसा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है नए पार्टनर्स का कैपिटल ही होगा। और ध्यान क्या रखना, इस पैसे में और जो क्वेश्चन में अमाउंट दिया है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये चेक करने का भी तरीका है। चलो आते हैं नंबर 9 आपको जो वी फिनिश ऑफ करते हैं, लेकिन न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेस ऑफ कंबाइंड। इसके लिए सर सबसे पहले समझ लीजिए, सबसे पहला काम, रेसिपी बता रहा हूँ, ध्यान सुनो, सबसे पहले क्या करना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, बनाना है सर, सबसे पहला काम। इसके बाद अगेन यही वाला कंसेप्ट यहां ले आओ, क्या करना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू, यहां पे न्यू पार्टनर्स कैपिटल तो लिख नहीं सकते, बट क्या लिख सकते हैं, जो बेस बने वही लिख लो, सिंपल। क्या लिखेंगे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, एडजस्टेड का मतलब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया उसमें क्रेडिट साइड में जो हेड सबका टोटल करेंगे, डेबिट साइड में जो हेड है क्रेडिट के टोटल में से डेबिट वाले हेड लेस करेंगे, जो लिखते हो ना टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, उन्हीं को ए और बी को एक्स वाई जो भी ओल्ड पार्टनर दोनों को ऐड करो, ऐड यहां लिखो इनटू रिवर्स रिमेनिंग शेयर। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, फॉर्मूला सस्ता सा है। रिवर्स रिमेनिंग शेयर का मतलब क्या, अगर कोई बंदा आ रहा है 1/5 के लिए तो रिमेनिंग कितना होगा 4/5, और हमें ये नहीं लगाना, हमें क्या लगाना है, रिवर्स रिमेनिंग शेयर मतलब 5/4। ऐसा करने से क्या होगा सर, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। जैसे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आए, मान लो 3,00,000 रुपये आ रही है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो 3,00,000 में नए पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो लगा दो 1/5, नए पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगी 60,000। अब एक बात और, इन दोनों ही सिनेरियो में दो चीज़ें इफेक्ट होती हैं, या तो कैश या तो करंट। जैसा मैंने वीडियो स्टार्टिंग बोला, अगर कैश या बैंक इफेक्ट होता है तो आपको बैंक अकाउंट बना के ट्रीटमेंट देना है। अगर करंट अकाउंट इफेक्ट होता है, जिधर कम पड़ता है उधर डेबिट साइड में कम पड़ा तो लिखेंगे टू करंट, अगर क्रेडिट साइड में कम पड़ा लिखेंगे बाई करंट, जिधर कम पड़ता है उधर करंट लिख दो। और रही बात उनके बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन की, तो ध्यान से सुनो, यह है डेबिट साइड, यह है क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। डेबिट साइड के नीचे जो बैलेंस शीट बनती है तो वहाँ लिखो लायबिलिटी साइड, और क्रेडिट साइड के नीचे जो बैलेंस शीट का टर्म होगा वो होगा एसेट साइड। तो डेबिट वाला समझ रहे हो, क्रेडिट वाला क्लियर है, मतलब डेबिट साइड का जो है लायबिलिटी में, क्रेडिट साइड का जो करंट वैल्यू जा रही है वो एसेट्स में। इतना करोगे आराम से हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में कोई और एडजस्टमेंट जो आपको लगता नहीं सर ये तो और क्रिटिकल है, कमेंट में बताना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और मिलता हूं शाम को 6 बजे आपकी बिजनेस लॉ की क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।